नमस्कार बंधुओं, आज के वीडियो में हम एक ऐसी वस्तु के बारे में जानेंगे जिसे तांत्रिकों द्वारा बेहद प्रयोग में लाया जाता है। इस वस्तु का बेहद महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। हम बात कर रहे हैं गोमती चक्र की। जी हाँ, गोमती चक्र नामक पत्थर गोमती नदी में मिलता है। विभिन्न तांत्रिकों व तांत्रिक कार्यों व असाध्य रोगों में इसका प्रयोग भी किया जाता है। इसका उपयोग काफी सरल है और साथ ही साथ यह कई प्रकार की समस्याओं का निदान पाने में कारगर उपाय सिद्ध होता है बंधुओं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस वीडियो में तांत्रिक वस्तु गोमती चक्र के बारे में तमाम चीजें जानेंगे व पहचानेंगे और फिर प्रयोग भी करेंगे। तो आइए जानते हैं इस तांत्रिक वस्तु यानी कि गोमती चक्र के टोटके व उपाय। उपाय नंबर एक, शत्रुओं से बचाव के लिए 3 गोमती चक्र शनिवार शाम को शत्रु का नाम लेकर सुनसान जमीन में दबा दें। अगर आपका कोई शत्रु है, आप उसके दबाव में हैं, आपको उसका भय है, तो उसके बचाव के लिए 3 गोमती चक्र शनिवार की शाम को शत्रु का नाम लेकर सुनसान जमीन में दबा दें। उपाय नंबर दो, यश प्राप्ति के लिए सोमवार को 2 गोमती चक्र किसी ब्राह्मण को दान करें या फिर शिवलिंग पर चढ़ा दें। उपाय नंबर तीन, मंगलवार, शुक्रवार या शुभ मुहूर्त में गोमती चक्र को लाल सिंदूर के साथ एक चांदी की डिब्बी में घर में रखें तो घर में सुख शांति बनी रहती है बंधुओं। किसी भी व्यापार में वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र लेकर उसे बांध कर चौखट के ऊपर ऐसे लटका दें जिससे ग्राहक उसके नीचे से निकल कर जाए। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसकी चौखट पर ऐसे लटका दीजिए 2 गोमती चक्र को ताकि ग्राहक उसके नीचे से निकल कर जाए। अब चलते हैं अगले उपाय व टोटके पे। वह है, यदि घर में किसी का रोग शांत नहीं हो रहा हो तो सोमवार को 1 गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए में बांध दें। बीमारी सही होने पर गोमती चक्र को बहते जल में बहाना ना भूलिए बंधु, लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आप मेहनत करे जा रहे हैं मगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो 1 गोमती चक्र सोमवार शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दें बंधु, अवश्य लाभ मिलेगा। धन वृद्धि के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में 5 गोमती चक्र गले में रखें। जी हाँ, अगर आप व्यापारी हैं तो 5 गोमती चक्र गले में रखें, धन की वृद्धि होगी। अगर कोई आपका शत्रु है तो शत्रु परास्त करने के लिए जितने अक्षर शत्रु के नाम में हैं उतने ही गोमती चक्र लेकर उन्हें किसी वीरान जगह में जाकर जमीन में लटका रहे। जो नाम आपको देखना है वह अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार गिनने हैं आपको कि कितने अक्षर उसके नाम पर आते हैं, उतने ही गोमती चक्र लेकर उन्हें किसी वीरान जगह में जाकर जमीन में गाड़ दें। इससे आपका शत्रु अवश्य ही परास्त होगा। सुख पाने के लिए व बढ़ाने के लिए 1 गोमती चक्र को वीरवार में गंगा जल से धोकर उस पर केसर का तिलक लगाएं और धूप बत्ती दिखाकर गले में रखें। दीपावली पर पूजा के बाद 5 गोमती चक्र को पीले सिंदूर के साथ लकड़ी की डिब्बी में बंद करके उस व्यक्ति के कमरे में रख दें जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। अगली दीपावली को पुनः ये क्रिया करें, पुरानी सामग्री को बहते जल में बहा दें, अवश्य ही लाभ मिलेगा बंधुओं। तो बंधुओं, हमने अभी जाना बेहद ही महत्वपूर्ण लाभ गोमती चक्र के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही और अन्य विषयों पर बने वीडियो आप तक पहुंच सके, और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके मित्र व संबंधी ऐसे ही वीडियोस का लाभ उठा सके। धन्यवाद।